दोस्तों आप सभी का स्वागत है मोहिमा क्रिकेटर के चैनल पे। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर वुमेन बीबीएल, उससे पहले वुमेन बीबीएल, लगातार 3 साल से वुमेन बीबीएल में काम दिया जा रहा है, लगातार मैचेस पास करवा के दिए जा रहे हैं। इस साल भी दोस्तों ऐसा ही होने वाला है, मोहिमा क्रिकेटर के चैनल पे वुमेन बीबीएल में लगातार मैचेस पास करवा के दिए जाएंगे। दोस्तों वुमेन बीबीएल के रिगार्डिंग पूरा वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसको जाकर विजिट कर लीजिएगा, लास्ट में आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। और पहले दूसरे मैचेस का वीडियो अपलोड कर दिया गया दोस्तों, ये थर्ड वीडियो है, मतलब थर्ड मैच का वीडियो है। दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं, आप सभी देख रहे हैं मोहिमा क्रिकेट एनालाइजर का चैनल। इस चैनल में बात करेंगे पर्थ स्कॉचर और मेलबर्न स्टार के बीच में खेले जाने वाले थर्ड वुमेन बीबीएल मैच के बारे में। दोस्तों जो ओट्स रहेगा, फेवरेट रहेगा, वो पर्थ स्कॉचर रहेगा 82-84। मेलबर्न स्टार अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो उसका जो सेशन है वो स्टेप्स बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा। 6 ओवर अंडर 39, मतलब 39 के ऊपर दिखता है तो आपको नॉट करके चलना है। सेम उसी तरह 10 ओवर 67 के ऊपर रहेगा तो नॉट करके चलना है। 15 ओवर अंडर 100 बनेगा, ऊपर के चलेगा तो आपको नॉट करके चलना है। वो 20 ओवर 140। दोस्तों वो विन दिस मैच, ये मुकाबला कौन जीतने वाला है तो भाई आप देखिएगा लास्ट वीडियो पता चल जाएगा आपको। डेट होगा 27 अक्टूबर का, टाइम होगा 3 बजे, वेन्यू होगा वॉकआउट ऊपर। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, जिसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए 8967091942। एक मैजिकल नंबर इसको सेव कर लीजिएगा, सेव करके इस नंबर अपना नेम और डेबिट लिख के सेंड कर दिएगा दोस्तों। सो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना कंपलसरी है, चैनल पर विजिट करना कंपलसरी है। साथ में व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे तो आपको डबल धमाका हो जाएगा आपके साथ, तब मोटा पैसा कमा के जा सकते हो। दोस्तों अभी जाइए एक बार टेलीग्राम चैनल पे, जरूर विजिट कीजिए हमारे। दोस्तों एक बार देख लेते हैं हेड टू हेड के बारे में। दोस्तों मेलबर्न स्टार और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में जो लास्ट 10 मुकाबले खेले गए, इसमें मेलबर्न स्टार ने 6 और पर्थ स्कॉचर्स ने 4 मुकाबले जीते। ये बार पिच रिपोर्ट देख लेते हैं, तो आसपास जो मैदान है काफ़ी हिस्टोरिकल पिच है और यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे बेहतरीन पिच है, मतलब अगर बॉलर्स के लिहाज से देखा जाए तो। यहाँ पर पिच, ये जो पिच है यहाँ पर पेसर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, अनयूजुअल बाउंस और पेस होता है तो बैटर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर जो स्पिन और पेसर्स में 63% विकेट पेसर्स लेके जाते हैं, तो ये एक आपको डीम लेवल टीम है फैंटेसी प्लेटफॉर्म में आपको ये डेटा मदद करने वाला है। और भाई यहाँ पर भी स्पिनर्स को 37% विकेट मिलते हैं, बहुत ही लिटिल बिट यहाँ पर मदद है स्पिनर्स के लिए, थोड़ा स्लो फेंकते हैं तो बॉल लूज अगर टंग जाए तो उस कंडीशन में अदरवाइज स्पिनर्स के लिए यहाँ पर कुछ है नहीं। टीम के प्रेजेंट ऑन विन भी देख लेते हैं, स्कॉटर्स ने यहाँ पर 10 मुकाबले खेले हैं, 6 जीते 130 के एवरेज स्कोर के साथ। वही स्टार्स ने 5 खेले हैं, 2 जीते 146 के एवरेज स्कोर के साथ, तो एक अच्छा बैटल देखने को मिलेगा उन्होंने इस मैच में। वेन्यू स्टार्स देख लेते हैं तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 134, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है 124। फर्स्ट बैटमैन परसेंटेज है कि मतलब टोटल 24 मैच में से 11 मैच फर्स्ट बैट करने वाली टीम हुई थी और 13 मैचेस में चेज हुआ है, तो ऐसा कह सकते हैं कि एवरेज का ग्राउंड है 140 वाली से अगर बन जाता तो एक विनिंग टोटल है, वो डिफेंड हो जाएगा इजिली। भाई बात देख लेते हैं भाई दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर स्कॉटर्स तरह सोफी डिवाइन बीच में ओपनिंग करते हुए देखेंगे, वही पर एम डार्क एंड स्कैबर ब्रेंड देखेंगे, एमी जोन्स मिडिल ऑर्डर संभालेंगे विकेट कीपर के साथ, A1 विकेट कीपर है, बहुत अच्छी विकेट कीपर है अभी वर्ल्ड क्रिकेट में पूरे। सी पी पारो है, ए डी एलगर है, पी क्लियर लिया लाना किंग मिल्स है, वो सी एम सोर्थ है। पर वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करें अपनी मेलबर्न स्टार की प्लेइंग 11 तो मिग लाइनिंग है और A1 कैप्टन है भाई अभी ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया से रिटायर्ड ले लीजिए इंटरनेशनल मैचेस से। ये मैकोन है, एम कैप है भाई, A1 ऑलराउंडर आने वाला सदरलैंड है, बहुत ही अच्छी बैट्समैन है, साथ में बॉलिंग डेथ में बहुत अच्छा करती है। एस लॉरनी, एस रेड है, किम गार्थ है, एस ओफी डे है, आर मैकेना, टी फ्लिंटॉफ है, एम गिब्सन। भाई दीप्ति शर्मा इंटरनेशनल ड्यूटी के कारण वो नहीं खेल सकती है मैच। विनर भाई हमारे अकॉर्डिंग पर स्कॉचर्स है, फिर फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको फाइनल अपडेट दे दिया जाएगा। एक बार दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम देख लेते हैं, अपनी ड्रीम इलेवन टीम में भाई आप देखिएगा कौन कौन होगा अपने ड्रीम इलेवन में। पर्थ स्कॉचर्स ऐसे सोफी डिवाइन होंगी, एन स्कैबर ब्रेंट होंगी, एमी जोन्स होंगी, बॉलर से मैं एलाना किंग को लेना चाहूँगा, बैट्समैन को एज ए ऑप्शन मैं देख सकता हूँ। वो एक दूसरे डब्बे अपनी टीम से भाई अपनी मेलबर्न स्टार की टीम से मेक लाइनिंग होगी, यहाँ बेला सदरलैंड, एम कैब, स्कीम गार्थ और साथ में मुझे मैं देना चाहूँगा, ये मेरी ड्रीम इलेवन टीम हो गई। भाई अनदर प्लेयर जो है 11वें नंबर के लिए आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, एन सुवर्थ के साथ जा सकते हो पर्थ स्कॉचर्स के। भाई अपनी ड्रीम इलेवन टीम है कंप्लीट है भाई, अगर आपको कोई भी क्वेरी है वुमेन बीबीएल से फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच या इस इंडस्ट्री से, उनको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या तो उनको कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो बनाए करना, चलो मिलते हैं।